विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। ये मेरे प्रभु महादेव के सुनट नर्तक अवतार द्वारा विधान किया गया नियम ही था कि कोई भी वैवाहिक निमंत्रण सर्वप्रथम गणेश जी को ही समर्पित किया जाना चाहिए। गौरी पुत्र, तभी से यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मर्यादा है जिसके प्रति सदा सचेत रहना चाहिए, अन्यथा विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं। जो अनुचित उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, मैं तो मात्र उन्हीं के लिए विघ्न उत्पन्न कर उनका ही विघ्नकर्ता बनता हूँ। आपने उचित कहा गौरी पुत्र। लंकेश, ये तो मात्र आपने 6 मर्यादाओं का वर्णन किया, तो 7वीं मर्यादा क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो, ये लंकेश तो बिना कुछ बोले ही पूजा ध्यान में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। आपकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए आपको इतनी प्रतीक्षा कराना पर्याप्त था गौरी पुत्र। तो सुनिए, अब मैं आपको सुनाता हूँ कि प्रभु शिव शंकर शंभू के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण 7वीं मर्यादा का क्या आधार था। कन्यादान विवाह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है और ये 7वीं मर्यादा भी है, क्योंकि कन्यादान के बिना कोई भी विवाह पूर्ण नहीं होता और कन्यादान किसी प्रकार की भी भय संशय अथवा दबाव में नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये शुभ कार्य अपूर्ण ही रह जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, कन्यादान से बड़ा कोई महादान नहीं, और जिसे भी कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो उसे उस अवसर से कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अत्यंत अचंभित हूं कि आप एक नट होते हुए ऋषि मुनियों के समान ज्ञानी हैं। आपके इस ज्ञान से संपूर्ण जगत ब्रह्म विवाह की वास्तविकता, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा और विधि के विषय में समझ पाएंगे। आपके पास ज्ञान का सागर है, इसीलिए आप जैसे ज्ञान स्वरूप को मेरी पुत्री पार्वती का हाथ सौंपना मेरा सौभाग्य होगा। किंतु अंतिम निर्णय मेरी पुत्री पार्वती का होगा। यदि उसे यह विवाह स्वीकार है और इस विवाह से आप दोनों प्रसन्न होते हो, तो इस विवाह के लिए मेरी अनुमति अवश्य है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे अपनी पुत्री के योग्य समझा। मुझे आपके चारों ओर ईश्वरी ऊर्जा का आभास हो रहा है। यदि यह आभास मेरा सत्य है तो कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की कृपा करें।
प्रणाम प्रभु माधव। सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव, मेरे प्रभु, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे प्रभु। मैं आपको पूर्व रूप में पहचान न सका, अन्यथा मैं आपसे इतने कटु वचन कभी ना कहता। और मेरी पुत्री पार्वती के प्रति आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार न करता। यही तो मैं नहीं चाहता था महाराज। प्रभु, मैं इसका इच्छुक नहीं था कि मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर आप मेरे प्रभुत्व से प्रभावित होकर आप अपनी पुत्री देवी पार्वती के जीवन के संबंध में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लें। इस विषय पर बिना किसी प्रभाव और दबाव के पूर्ण सोच विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपने सुन्नत नर्तक अवतार के समान मैं भी यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। मेरे पास ना तो एक राजकुमारी के लिए कोई उपयुक्त निवास है और ना ही उनको देने हेतु सुख सामग्री। मैं तो कैलाश पर्वत का आभारी हूँ कि वो मेरे निवास के रूप में मेरे ध्यान के स्थल बने। मेरे समस्त गण भूत और पिशाच हैं। अन्य सभी के आभूषण तो स्वर्ण रजत के होते हैं, किंतु मेरा आभूषण तो नाग है, अर्थात मेरे पास आपकी पुत्री को देने के लिए मात्र मेरा प्रेम है। इसलिए मेरे प्रभुत्व के अतिरिक्त विचार कीजिए। मुझे ईश्वर नहीं, सुन्नत नर्तक मानकर ही एक पिता की दृष्टि से देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि मैं आपकी पुत्री के योग्य हूं अथवा नहीं। प्रभु, भूत प्रेत ही नहीं, संपूर्ण जगत के समस्त जीव आप ही के तो गण हैं। इसीलिए मैं आपके गणों को लेकर तनिक भी आशंकित नहीं हूं। कैलाश ने आपको स्थान प्रदान किया है तो आपने कैलाश को संपूर्ण सृष्टि प्रदान की है। इसलिए इस समस्त संसार में जिसका भी अस्तित्व है वो केवल आपके कारण है। इसलिए आप मेरे जमाता बनेंगे, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। और प्रभु, मैं तो क्षण के लिए अत्यंत उत्सुक हूं जब आपकी बारात के साथ आपका आगमन यहां होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज, उसके पूर्व अभी वो संपन्न होना शेष है जो प्रथम मर्यादा के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से मेरा विवाह प्रस्ताव मेरी माता अरुंधति आपके यहां लेकर आएंगी, तभी यह मर्यादा पूर्ण होगी। तो ये थी मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के नट अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा। अपने इस अवतार में प्रभु ने कितनी सुंदरता से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कि उनके द्वारा कभी अपने माता पिता की इच्छाओं का निरादर नहीं होना चाहिए और यदि माता पिता उनके संबंध को स्वीकार ना करें तो भी निरंतर उनको मनाने का प्रयास कर उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, जैसे स्वयं प्रभु ने किया। अर्थात इस प्रकार माँ और पिताश्री का विवाह संपन्न होने के उपरांत प्रभु सुनट नर्तक के अवतार का प्रयोजन भी पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, क्या हम प्रभु के सुनट नर्तक अवतार की स्तुति आरंभ करें? मैं तो उनके दर्शन करने के लिए अति उत्सुक हूँ। क्या हुआ लंकेश? कहीं आप उनसे भयभीत तो नहीं? कि कहीं वो भय? मुझे कोई भय नहीं गौरी पुत्र, और वैसे भी प्रभु सुनट नर्तक प्रभु के नट अवतार हैं, उनसे भय का तो कोई कारण नहीं। शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत मोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जीवी है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु वीरभद्र, प्रभु भैरव और प्रभु शरव के समान प्रभु के योद्धा स्वरूप नहीं हैं, किंतु इन्होंने तो यहाँ आते ही मेरे हाथों से आत्मलिंग विलग कर दिए। क्या तुम वास्तव में आत्मलिंग प्राप्त करने के योग्य हो? योग्य हूँ, हूँ योग्य प्रभु। हे प्रभु सुनट नर्तक, मैं आपका सामना कहां कर सकता हूं, इसलिए आप इस भक्त पर दया कीजिए, क्योंकि मैंने इस आत्मलिंग को घोर तपस्या कर अपने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से प्राप्त किया है। प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कदाचित तुमने छला है भोलेनाथ को। भले ही मैं तुम्हें याद नहीं लौटा रहा हूं, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे।
समय आने पर ही अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे, कि जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। प्रभु आपको चेतावनी देकर गए हैं और आप प्रसन्न हो रहे हैं। गौरी पुत्र, मैं प्रभु शिव शंकर शंभू के अवतार के चेतावनी से क्यों चिंतित हूँ, जब स्वयं प्रभु ने ही अपने आत्मलिंग को मुझे प्रदान किया है। हाँ, मैं कुछ चकित अवश्य हूँ कि प्रभु सुनट नर्तक प्रभु शिव शंकर शंभू के अवतार हैं और उनकी ही उदारता से परिचित नहीं। मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू तो ऐसे हैं कि यदि कोई भक्त भक्ति भाव से उनसे दुग्ध मांग लें, तो वो उसके लिए संपूर्ण क्षीर सागर ही उत्पन्न कर दे। आपका अर्थ है क्षीर सागर की रचना भी प्रभु महादेव ने ही की है। हाँ गौरी पुत्र, और ये प्रभु के अगले अवतार प्रभु सुरेश्वर अवतार ने ही संपन्न किया था। तो फिर मुझे उनकी कथा सुनाइए ना लंकेश, मुझे बताइए कि प्रभु के द्वारा प्रभु सुरेश्वर अवतार लेने का क्या कारण था। प्रभु के इन अवतार का तो एक ही उद्देश्य था कि इनके उदाहरण से संसार को यह ज्ञात हो कि सत्य पुण्य और भक्ति तीनों के पथ पर अग्रसर रहने वाले के समक्ष बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, किंतु उन बाधाओं को पार करते हुए जो आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है और स्वयं को संसार के इतिहास में स्थापित करता है। जैसे मैं और प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त कर मैंने भी जगत के समक्ष एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे मैं आपको अन्य भक्तों की कथा सुना रहा हूं, एक दिवस इसी प्रकार मेरी भी कथा कहीं कही जाएगी और आपकी कथा से सभी को ये सीख प्राप्त होगी कि उचित और अनुचित का भेद क्या है। ओम नमः शिवाय। तो मैं अब आपको प्रभु शिव शंकर शंभू के भक्त उपमन्यु की कथा सुनाता हूँ। उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र था। ऋषिवर अपने पुत्र उपमन्यु के जन्म के साथ ही तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए, इसलिए उसका पालन पोषण उसके मामा जी के गृह में हुआ, जो इतने निर्धन थे कि उनके लिए पर्याप्त भोजन जुटा पाना भी अत्यंत कठिन था। भोजन दीजिए ना। माँ ने पकवान तैयार किया मेरे लिए। माँ, आपने मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, वो परोसिए ना। माँ, आज तो आपने तीन तीन पकवान पकाए हैं, वो परोसिए ना। बहुत भूख लगी, बहुत भूख। माँ, क्या हुआ? माँ, आज चूल्हे के निकट ये तीन पात्र है, आज तो तीन ही व्यंजन है ना भोजन में, मैं उचित कह रहा हूँ ना माँ? अब मैं कैसे बताऊँ अपने नन्हे पुत्र को कि आज धान का एक दाना भी नहीं है रसोई गृह में। आपने बता दी तो मैं स्वयं देख लूंगा कि भोजन में क्या है। रुको उपमन्यु, बहुत ऊष्मा है, मैं परोसती हूँ। उचित है ना माँ?
आज तो अवश्य तीन तीन व्यंजनों का भोजन करने का आनंद आएगा मुझे। माँ सिगरेट तो कीजिए ना। पात्रों में तो कुछ भी नहीं। ये क्या माँ, ये तो किसी भी प्रकार के भोजन से रिक्त है, इनमें तो कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र, ये देखो, दाल, खीर, पूड़ी सब तो है। ये तीन तीन भांति के विशेष व्यंजन तो हैं, और ये इतने दिव्य हैं कि अदृश्य ही रहते हैं, दिखाई नहीं देते, इनका तो अनुभव ही कर सकते हैं। और देखो कितनी अच्छी सुगंध भी आ रही है ना। मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही। आएगी जब मैं भोजन परोसूंगी। बस थोड़ा ध्यान रखना। जो बालक दिव्य गुण संपन्न होते हैं ना, उन्हें ही सुगंध आती है, और मेरा पुत्र तो दिव्य है, अवश्य ही सुगंध आएगी। बस तुम प्रयास तो करो। ये दाल है, और ये खीर, और ये मेरे पुत्र के लिए पूड़ी। अब बताओ पुत्र, सुगंध आई? हाँ माँ, तीनों की आई, दाल, खीर और ये पूड़ी। तो पुत्र, आप उदर भरकर अच्छे से भोजन करो। हाँ माँ। इतनी लाचार हूँ मैं कि अपने पुत्र को परोसने के लिए मात्र छूटे स्वप्न ही है मेरे पास। पुत्र, दिव्य भोजन का सेवन करने के बाद पाचन हेतु गुड़ की डली का ग्रहण करना भी अत्यंत आवश्यक है। लो। मुझे क्षमा करना पुत्र, वास्तविक भोजन के नाम पर बस यही है तुम्हारी माँ के पास। माँ, आपने भी तो दिव्य पकवानों का आहार किया है, तो इस गुड़ का एक भाग आपको भी ग्रहण करना चाहिए। ये लीजिए माँ, खाइए।
अपने ही पुत्र के लिए एक गुड़ की डली ही थी मेरे पास, उसमें से भी अर्ध भाग इसने मुझे दे दिया, और मैं इतनी अभागी और असहाय हूँ कि अपने ही पुत्र को मिथ्या काल्पनिक भोजन करने के लिए विवश कर रही हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार कब तक जीवन यापन करेंगे हम? अर्थात दोनों माँ और पुत्र को मात्र एक गुड़ की डली से अपनी भूख मिटाने पर विवश होना पड़ा। हाँ गौरी पुत्र, यही अदृश्य भोजन बालक उपमन्यु के घर जैसे प्रतिदिन ही पकने लगा, और दोनों माँ और पुत्र उसी में संतुष्ट होकर सो जाते थे। फिर एक दिवस, अरे भीमा, चलो टीले के पास जो मंदिर है वहाँ जाकर क्रीड़ा करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो क्रीड़ा करते हैं। पहले मैं ये दूध पान कर लेता हूँ। संपन्न हुआ मेरा दूध पान, प्राप्त हो गई मुझे शक्ति। अब कहो कहाँ चलना है? भीमा, तुम्हारी तो उजली पूंछ बन गई है। तो क्या हुआ, प्रतिदिन वो दूध पान करने के बाद बनती है? तुम प्रतिदिन दूध पान करते हो? हाँ, माँ कहती है ना, दूध शक्ति प्रदान करता है। हाँ, 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 प्रतिदिन दूध पान करते हैं। क्यों, तुम प्रतिदिन दूध पान नहीं करते? नहीं भीमा, मेरे घर में तो कभी कभी दूध आता है, और वो भी तब जब कोई यजमान दे जाए। परंतु बच्चों के लिए दूध आवश्यक है। कोई बात नहीं, हमारे गृह में गौ माता है, उनकी कृपा से यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है। मैं माता को बोल के तुम्हारे लिए एक पात्र दूध लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो माता द्वारा पकाए हुए दिव्य पकवानों का भोजन करके आया हूँ, मेरा उधर तो पहले से ही भरा है। फिर क्या हुआ लंकेश? बस दुग्ध की इसी लालसा ने प्रभु के सुरेश्वर अवतार की नींव रख दी, क्योंकि उस दिवस जब उपमन्यु ने अपने गृह लौटकर अपनी माता के समक्ष दुग्ध की मांग रखी तो आज अचानक से दूध की इच्छा कैसे जागृत हो गई पुत्र? हमारे गृह तो दुग्ध सिर्फ त्योहार के दिवस में ही आता है। किंतु भीमा कहता है कि दुग्ध पान प्रतिदिन करना चाहिए, उससे बालकों को शक्ति प्राप्त होती है। पर मेरा पुत्र तो शक्ति संपन्न है, तुम्हें दुग्ध की आवश्यकता नहीं है। जो बालक दुर्बल होते हैं उन्हें दुग्ध अनिवार्य होता है। किंतु मुझे दूध पान करना है, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, दूध 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 चाहिए माँ। अवश्य पुत्र, अभी लाती हूँ। ये लो, दुग्ध पान करो। नहीं माँ, नहीं, दिव्य दूध नहीं, मुझे तो वो दूध चाहिए जो दिखाई देता हो, जिससे मेरी मूछें उत्पन्न हो। मुझे वो दूध दीजिए ना मुझे वो दूध। अभी लाई। इतने दुख की बात है, दुग्ध के स्थान पर मैं अपने पुत्र को आटे का घोल देने पर विवश हूँ।
ये लो, दुग्ध पान करो। धन्यवाद माँ। बालक उपमन्यु आटे के घोल को दूध समझ बैठे, किंतु अब उन्हें एक ऐसा आघात लगने वाला था जो आगे चलकर कारण बना प्रभु के सुरेश्वर अवतार का, वो अवतार जिसके कारण ही दुग्ध का महासागर अर्थात क्षीर सागर का निर्माण हुआ। मित्रों देखो, मित्रों देखो, ये देखो, देखो मित्रों, मैं भी दूध पान कर रहा हूँ। मेरे हाथों में ये दूध का पात्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है। देखो देखो कितना गाढ़ा है। देखो मित्रों देखो, ये वास्तविक दूध नहीं है। अरे ये तो दूध नहीं, तो कुछ और है। अरे ये दूध में आटे का घोल है। दूध नहीं है। आपने मेरे साथ छल क्यों किया माँ? सबने मेरा उपवास किया, मेरे ऊपर हंस रहे थे, क्यों किया आपने ऐसा? पुत्र, मुझे आटे के साथ मिश्रित जल नहीं, दूध चाहिए। दूध, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए और कुछ नहीं। आपने सुना ना, दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे सत्य का दूध चाहिए। दूध चाहिए, दूध चाहिए। तुम्हें दूध चाहिए, दूध चाहिए, तो जाओ अपने पिताजी से मांगो। किंतु मैंने तो कभी पिताश्री को देखा ही नहीं, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं माँ? जाओ उनसे मांगो जो मेरे तुम्हारे समस्त जगत के पिता हैं, अर्थात भोलेनाथ से। हाँ वही तुम्हारी सुनेंगे। तो क्या बालक उपमन्यु ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी? एक प्रकार से तो उसका तप यहीं से आरंभ हो चुका था गौरी पुत्र। अब बालक उपमन्यु रात्रि हो या दिवस, नित्य कर्म में लिप्त हो या फिर क्रीड़ा में, वे प्रभु महादेव से बस एक ही इच्छा व्यक्त करते थे। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए।
हे बलिदान, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे बलिनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे बलिनाथ, मुझे दूध चाहिए। प्रभु, ये नन्हा बालक कितनी श्रद्धा से आपसे अनुरोध कर रहा है, फिर आप इस पर अपनी दया क्यों नहीं दिखा रहे दया निधान? जो फल तपस्या के उपरांत प्राप्त हो वही उचित होता है देवी। कठोर तपस्या के बिना प्राप्त फल का कोई मूल्य नहीं होता देवी। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी ये तो कहा था माँ कि भोलेनाथ से दूध मांगो, तो भोर से वही मांग रहा हूँ और अब तो रात्रि भी हो गई है, किंतु ना ही परमपिता महादेव आए और ना ही उन्होंने मेरे लिए दूध भेजा। हे भोलेनाथ, मुझे दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध प्रदान कीजिए। हे मेरे भोले पुत्र, महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है। तो फिर कैसे प्राप्त होती है भोलेनाथ की कृपा माँ? उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। तपस्या माँ? हाँ, तपस्या। महर्षि मुनिगण जन कल्याण हेतु एवं अपना मन चाहा वर पाने के लिए तपस्या करते हैं। फिर तो मैं भी प्रभु भोलेनाथ की तपस्या करूँगा माँ। पुत्र, तपस्या करना इतना सरल नहीं है, अभी तुम बहुत छोटे हो पुत्र, जब बड़े हो जाओगे तब तपस्या कर लेना। अब बहुत रात्रि हो गई है, निद्रा कर लो। वैसे भी इतनी प्रचंड शीत में नन्हे बालक का तप करना उचित नहीं है। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। तो जाओ उनसे मांगो, जो मेरे तुम्हारे समस्त जगत के पिता है वही तुम्हारी सुनेंगे। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। पुत्र उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, इतनी भोर में कहाँ चला गया? फिर तो मैं भी प्रभु भोलेनाथ की तपस्या करूंगा माँ। पुत्र उपमन्यु, 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 कहाँ गया मेरा पुत्र? पुत्र उपमन्यु, पुत्र कहाँ गया मेरा पुत्र? उपमन्यु, उपमन्यु, एक बालक ही तो है, तब के लिए कैसे जा सकता है? अपने पुत्र को कैसा सुझाव दे दिया मैंने, याद नहीं कि कहाँ चला गया होगा।
और कहाँ होगा? पुत्र! अपने पुत्र के वियोग में रुदन कर रही थी और दूसरी ओर उनका नन्हा पुत्र उपमन्यु तपस्या आरंभ करने हेतु एकांत ढूंढने सघन वन में प्रवेश कर आगे बढ़ता जा रहा था। उपमन्यु को यह आभास भी था कि कोई संकट उसका पीछा अवश्य कर रहा है, किंतु वो तब भी रुका नहीं। मुझे ज्ञात है कि घना वन संकटों से भरा पड़ा है, किंतु मैं किसी भी दशा में अपनी तपस्या पूर्ण कर प्रभु महादेव को प्रसन्न करूंगा और उनसे दूध प्राप्त करके ही रहूंगा। ये वन घना प्रतीत होता है, मुझे अपनी तपस्या यहीं आरंभ करनी चाहिए। मेरे पीछे किसकी आहट है? मुझे सावधान रहना होगा। ये कैसी ध्वनि थी? कौन है यहाँ मेरे निकट? तो तनिक भी एकांत नहीं है, मेरे अलावा कोई और भी है यहाँ? किंतु माँ ने तो कहा था कि तपस्या एकांत में ही संभव है, मुझे ऐसा ही कोई स्थान ढूंढना होगा इस वन में। मुझे उस प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, वही इस अंधकार से बाहर निकलकर बेमुक्त होऊंगा मैं। परीक्षा है इस नन्हे बालक की, जिस पर इन क्रूर भेड़ियों का आक्रमण कभी भी हो सकता है। ऐसी छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले भक्तों की सफलता ही नहीं, उन्हें तेजी की प्राप्ति भी होती है। और जिन भक्तों की भक्ति में सत्यनिष्ठा होती है, उन्हें तो प्रभु
स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। शक्तिशाली जीवो, कृपा कर मुझे जाने दीजिए। मैं तो महादेव की आराधना, उनकी तपस्या करने आया हूँ। मैं आप में से किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, इसलिए आप ही मेरा अहित मत कीजिए। लौट जाइए यहाँ से, लौट जाइए, लौट जाइए यहाँ से। हे प्रभु शिव, 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 हे प्रभु शिव, रक्षा करें मेरी। शिव, शिव, हे प्रभु शिव, 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 शिव। अब तो संकट में पड़े इस नन्हे भक्त ने प्रभु के नाम का स्मरण भी किया है और स्वामी ने भी उसकी गुहार अवश्य सुन ली है, इसीलिए अब वो उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। शिव, 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 स्वामी ने उचित समय पर उन भेड़ियों को रोककर अपने भक्त की रक्षा कर ली। अपने इस भक्त का धन्यवाद स्वीकार करें प्रभु। मुझे ज्ञात है आप ही ने मेरी रक्षा की है और मुझे विश्वास है कि एक दिवस आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे अपने हाथों से दूध पान करवाएंगे। प्रभु की कृपा से अब मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। धन्यवाद प्रभु महादेव। तो अंततः महादेव के नन्हे भक्त उपमन्यु को एकांत प्राप्त हो ही गया और उनकी तपस्या भी आरंभ हो गई। हाँ गौरी पुत्र, तपस्या आरंभ करना तो सरल है, किंतु कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे पूर्ण करने का साहस तो मुझ जैसे भक्तों में ही होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठिन परिस्थितियों से सामना करने का मेरा साहस और मेरी शक्ति
अत्यंत दुर्लभ है। और जहां तक उपमन्यु का प्रश्न है, उसकी तपस्या में तो आरंभ से ही बाधाएं प्रकट होने लगी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या आरंभ करना तो दूर, उपमन्यु तो शिवलिंग ही नहीं बना पा रहे थे। वो शिवलिंग बनाने का प्रयास करते, किंतु उनका प्रत्येक प्रयास विफल हो जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बार भी मैं सफल नहीं हुआ, किंतु कोई बात नहीं, मैं पुनः प्रयास करूंगा। कदाचित अपना स्थान परिवर्तित कर मुझे प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या बालक उपमन्यु ने अपनी तपस्या की उस प्रथम चरण में ही अपनी असफलता स्वीकार कर ली? नहीं गौरी पुत्र, आरंभिक असफलता में सफलता की प्रेरणा ढूंढना ही महान भक्तों की भक्ति का उचित परिचय है। जैसे मैंने भी कभी असफलता का सामना कर पराजय स्वीकार नहीं की, और उपमन्यु को उसकी असफलता से आपने ही उबारा था गौरी पुत्र। स्थानों में मैं विफल हो रहा हूँ, स्थान परिवर्तित करने का कोई लाभ नहीं हुआ, कदाचित मुझसे ही कोई भूल हो रही है। किसी भी कार्य को आरंभ करने के पूर्व प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी तपस्या हेतु प्रभु की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकूं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी, आपकी सहायता के बिना मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ ही नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, यदि बालक उपमन्यु ने
तप की इतनी ऊर्जा का संचय कर लिया था तो अति शीघ्र प्रभु उसके तप से प्रसन्न भी हो गए होंगे। गौरी पुत्र, अभी तो उसका तप आरंभ ही हुआ था और जो होने वाला था उसका तो किंचित मात्र भी बालक उपमन्यु को आभास भी नहीं था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, आपके नन्हे भक्त ने अपने तप से आपके दर्शन हेतु पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली है, अब तो उसे दर्शन देने की कृपा कीजिए स्वामी। देवी, भक्ति और सुकर्म के पद पर अभी विफलता रूपी उस बालक ने एक ही बाधा का सामना किया है और उसने विजय भी प्राप्त की है, किंतु सुपथ पर चलने वालों के मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, जैसे प्रलोभन, ध्यान का भटना, बल रूपी बाधा और अहित की आशंका। इसलिए उसे स्वयं को मेरे दर्शन करने हेतु सर्वथा योग्य प्रमाणित करना होगा, इन सभी विकट बाधाओं को सामना करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तो मुझे भी इस अद्भुत बालक की परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए स्वामी, कि उसमें प्रलोभन से संघर्ष करने की क्षमता है अथवा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगदम्बे जग जननी सिंह आरुढ़ा, जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय, सदा आप ही ताले। पुत्र उपमन्यु, तपस्या का अर्थ है परीक्षा, और ये परीक्षा तो तुम्हें अपने आचरण से देनी होगी। इसके प्रथम चरण में मैं तुम्हारे समक्ष माता कामधेनु का रूप धारण कर तुम्हारी निष्ठा का परीक्षण करूंगी। उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। भक्त उपमन्यु की परीक्षा लेने हेतु माँ ने माता कामधेनु का रूप धारण कर लिया। उठो पुत्र, तुम अब पर्याप्त तपस्या कर चुके हो, उठो और ये दुख ग्रहण कर थोड़ा विश्राम करो। ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो पुत्र, देखो मैं कामधेनु स्वयं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे लिए दुख लेकर आई हूँ। हे कामधेनु माता, मुझे अपने दिव्य दर्शन देने के लिए कोटी कोटी धन्यवाद, किंतु मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे ये दूध अस्वीकार करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, ये वो आटे का घोल नहीं जो विवश होकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पान करने हेतु तुम्हें प्रदान किया था, ये तो शुद्ध वास्तविक निर्मल दुग्ध है। वो महादेव की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने की साधना करते हैं और तब तक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं जब तक वो महादेव को प्रसन्न ना करें। मुझ पर कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं महादेव की तपस्या पूर्ण करके ही लौटूंगा। अब तो महादेव को अपने हाथों से मुझे दूधपान कराना ही होगा। अरे ये दूध नहीं, आटे का घोल है। इसको तो पता ही नहीं है दूध कैसा होता है। आटे के घोल को दूध बोलते हैं। <आगे। laughs>
माता, मैं इस दूध को आपका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं इसका पान नहीं कर सकता। किंतु क्यों पुत्र, तुम दुग्ध पान क्यों नहीं कर सकते? क्या दुग्ध की प्राप्ति हेतु ही तुमने ये पूजा और तप आरंभ नहीं किया था पुत्र? तो फिर अब उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो पुत्र? क्योंकि माता, जब तक मेरा तप संपन्न नहीं होगा तब तक मैं किसी प्रकार का जलपान नहीं करूँगा। ये कैसा अनुचित प्रण है तुम्हारा पुत्र? ईश्वर तो कभी भी अपने भक्तों को स्वयं कष्ट में डालते नहीं देखना चाहते। वो कदापि नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त भूखा प्यासा रह जाए। माता, भले ही प्रभु मुझसे ये इच्छा ना रखे, किंतु मुझे ज्ञात है कि त्याग के बिना कोई सफल प्राप्त नहीं होता, और त्याग से ही भक्त अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय देता है, जिसके लिए वो अपने सर्वस्व का त्याग कर सकता है, जीवन प्रदान करने वाले भोजन का भी, किंतु भक्ति का त्याग वो कभी नहीं करता। इसलिए मैं भी भोजन और जल रहित तपस्या तब तक करते रहूँगा जब तक स्वयं महादेव मुझे दर्शन देकर अपने हाथों से मुझे दूध पान न करवा दे। इसलिए मुझे प्रभु शिव के अभिषेक हेतु इस दूध का प्रयोग करने की अनुमति दीजिए माता। तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और समर्पण भाव से मैं अति प्रभावित हूँ बालक उपमन्यु। जिस दुग्ध के लिए तुम रात्रि और दिवस मुझे स्मरण करते रहे, उसे तुमने मुझे ही अर्पित कर दिया। किंतु पुत्र, अभी ना तो तुम्हारा तप संपन्न हुआ है और ना ही तुम्हारी परीक्षा, अभी तो कुछ और भी शेष है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वथा अद्भुत और महान थी भक्त उपमन्यु की भक्ति, जो अपना तप आरंभ करते समय भी भूख से ग्रसित थे, किंतु फिर भी जिस दुग्ध के लिए नन्हे उपमन्यु ने अपना तप प्रारंभ किया, वो दुग्ध जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने वही दुग्ध महादेव को ही समर्पित कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, प्रलोभन का प्रतिकार कर भक्त उपमन्यु ने त्याग का परिचय दिया, जिसके साथ एक और परीक्षा में सफल हुआ, किंतु अब उसकी अगली परीक्षा का समय निकट था। किसी भी अवस्था में अपने ध्यान को न भटकने देने की परीक्षा और बालक उपमन्यु की अगली परीक्षा क्या होने वाली थी, इसका विचार मेरे प्रभु भोलेनाथ कर चुके थे। चंद्रदेव, भक्त उपमन्यु, अपने तप से जागृत होकर देखो, तुमने अपनी तपस्या से कैसा अनूठा चमत्कार उत्पन्न किया है। अपने तप से जागृत होकर देखो पुत्र उपमन्यु, इधर देखो, मैं चंद्रदेव स्वयं महादेव के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें आशीष देने आया हूँ। प्रणाम चंद्रदेव, मुझे दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण हो पुत्र।
है चंद्रदेव? अक्षय कलश है ये, जिसमें से दुग्ध प्रवाहित होना कभी भी समाप्त नहीं होगा। पुत्र, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप इस अक्षय कलश पर अब तुम्हारा ही अधिकार है। अब जाओ और इसके द्वारा अन्य मनुष्यों की भी सहायता करो। ले जाओ इस दुग्ध से परिपूर्ण कलश को और जगत कल्याण आरंभ करो। ये तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव। कितना उत्तम और अद्भुत होगा जब मैं इससे लाचार एवं दुखियारों की सहायता कर सकूंगा। एवं आप तो स्वयं महादेव के ही प्रतिनिधि है जिनके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरा प्रयास सफल हो रहा है। इस बालक का ध्यान अपनी पूजा से भटक रहा है। कितना उत्तम होता यदि मैं इससे लाचार दुखियारों की सहायता कर सकता। हिंदू, ये भी तो अनुचित है। इस प्रकार किसी को निवाला हाथ में देने से संसार की दरिद्रता नहीं घटेगी अपितु आलस्य ही बढ़ेगा, जिससे अंततः दरिद्रता बढ़ेगी ही। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव कि भविष्य में मैं स्वयं को जन कल्याण के प्रति समर्पित कर सकूं। किंतु अभी मेरे संपूर्ण ध्यान, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मेरे प्रभु शिव पर ही केंद्रित है। और मैं ना तब तक अपने तप से विचलित होऊंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न प्रदान कर दे। तब तो तुम इस अक्षय पात्र से वंचित रह जाओगे बालक उपमन्यु। जो मैंने प्राप्ति नहीं किया मैं उससे वंचित कैसे हो सकता हूँ? वैसे भी भक्ति के मार्ग पर जो अग्रसर हो उसे त्याग करने में भला कैसा संकोच। तुमने उचित कहा पुत्र। भक्ति के पथ पर अनेकों त्याग करने होते हैं और ऐसे त्यागी भक्तों को उनका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य अर्थात स्वयं प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। कितनी अद्भुत है इसकी भक्ति की शक्ति, जो ये मेरे द्वारा ली जाने वाली कठिन परीक्षा में भी सफल रहा। चंद्रदेव उस बालक से संवाद कर उसका ध्यान भ्रमित करने के लिए गए थे, किंतु भक्त उपमन्यु के अद्भुत प्रभाव से स्वयं चंद्रदेव का ही ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया। चंद्रदेव द्वारा बालक उपमन्यु के ध्यान को भटकाने के प्रयास को उसके दृढ़ निश्चय ने विफल कर दिया, किंतु अब भी बालक उपमन्यु को बल का सामना करते हुए अपने तप पर स्थिर रहने की एक और परीक्षा देनी शेष थी। प्रभु, विफलता, प्रलोभन और उसके ध्यान बांटने के प्रयास का तो बालक उपमन्यु ने भली भांति सामना किया, किंतु क्या वो बल से उत्पन्न भय से विचलित हुए बिना रह सकेगा? नंदी जी, आप स्वयं जाके परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? इस नन्हे भक्त के लिए आपके मन में क्या है प्रभु? नंदी जी के बल का सामना तो महान योद्धा भी नहीं कर पाते, फिर ये नन्ना बालक भला उनका सामना कैसे करेगा? मैं आपका आदेश समझ गया प्रभु। इस परीक्षा को और अधिक कठिन बनाने के लिए अब नंदी उस बालक के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं अपितु अन्य रूप में ही जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
अपने नेत्र खोलो बालक, रोको अपने इस तप को, क्योंकि अब स्वर्ग लोक पर तुम्हारी तपोशक्ति का प्रभाव हो रहा है। इसलिए मैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ कि इससे पूर्व देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आकर तुम्हें रोके, तुम स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अपने तप को भंग कर दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये बालक उपमन्यु द्वारा आपको समर्पित उसके तप से उत्पन्न हुई तपोशक्ति ही है, जिसके कारण वो इरावत रूप में नंदी से सामना करने में भी सक्षम हो रहा है। देवी, ये उसके तप का प्रभाव नहीं अपितु उसके समस्त संचित अच्छे कर्मों का परिणाम है, क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसके पूर्व जीवन के बुरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं, और जब वो सुपथ पर चलता है तो उसके समस्त अच्छे कर्मों का उसे सुफल प्राप्त होता है। उपमन्यु के अच्छे कर्मों से उत्पन्न तेज ही उसे ऐरावत के रूप में नंदी के समक्ष स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। ओम नमः शिवाय। अब तुम्हारे इस आचरण से स्पष्ट हो गया है बालक कि तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस बालक में तो इतनी तपो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सामना तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बाल तपस्वी की तपो ऊर्जा ने तो मुझे इसे मुक्त करने पर विवश कर दिया। बालक, अपनी तपस्या रोक दोगे तो मेरे स्वामी देवराज इंद्र तुम्हें मनोवांछित वरदान देंगे। हे महान गजरावत, जो वरदान मुझे चाहिए वो मुझे देवों के देव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा तो स्वयं उनके हाथों से दूध पान करने की है, जिसके पूर्व ना मैं अपना तप संपन्न करूंगा और ना ही अपने तप थल से हटूंगा। हे महान गजरावत, देवराज इंद्र के वाहन मेरी तपस्या में विघ्न मत डालिए, अन्यथा आपकी शक्ति का उत्तर मुझे अपनी भक्ति की शक्ति से देना होगा। उचित है, फिर ऐसा ही हो। देखते हैं हम दोनों में से किसकी शक्ति सफल होती है। नंदी ऐरावत का रूप धारण कर उस नन्हे बालक तपस्वी पर आक्रमण करने जा रहे थे, और वो बाल तपस्वी मात्र दुग्ध के एक पात्र के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बालक उपमन्यु की अपने लक्ष्य के प्रति असाधारण निष्ठा है, फिर वो लक्ष्य मात्र दुग्ध का एक साधारण पात्र प्राप्त करने का ही क्यों ना हो। उसे प्राप्त करने हेतु वो तो सभी कष्टों और परीक्षाओं का सामना करने के लिए भी तत्पर है। जो लक्ष्य के प्रति बालक उपमन्यु की अटूट निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। किंतु कभी कभी ऐसी निष्ठा और दृढ़ता संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं गौरी पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
स्वामी, बालक उपमन्यु ने तो आपके अमोद अस्त्र को उत्पन्न कर लिया है, जिसको रोक पाना तो असंभव है। इस वार के वार से तो कोई भी सुरक्षित नहीं, फिर नंदी जी इससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे स्वामी? संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय क्यों होती जा रही है स्वामी? ये तो महादेव के अमोघ अस्त्र का प्रभाव है, जो समस्त संसार से उसका प्रकाश सोख लेता है। तब तो शीघ्र यदि इसे रोका न गया नाथ, तो समस्त संसार अपने प्रकाश से वंचित हो जाएगा, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी अपना प्रकाश खो देंगे और वहाँ ऐरावत के रूप में नंदी पर भी महासंकट छाया रहेगा। अमोघ अस्त्र को रोकने का कोई उपाय नहीं? ये तो महादेव का अस्त्र है, यदि इसे कोई रोक सकता है तो वो स्वयं महादेव ही है। स्वामी, अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है। हाँ देवी, ऐरावत के रूप में नंदी की रक्षा एवं बालक उपमन्यु की अंतिम परीक्षा लेने हेतु मुझे देवराज इंद्र का रूप धारण कर वहां प्रकट होना ही होगा। तब तो मैं भी देवी इंद्राणी अर्थात देवी शची के रूप में आपके साथ चलूंगी स्वामी। लंकेश, ब्रह्मास्त्र तो मात्र किसी के वरदान से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, फिर बालक उपमन्यु ने अमोघ अस्त्र कैसे प्रकट कर दिया? गौरी पुत्र, व्यक्ति को उसके वर्तमान कर्मों का ही नहीं अपितु पूर्व कर्मों का फल भी मिलता है। ये बालक उपमन्यु के पूर्व कर्मों का ही फल था, जो वो समय आने पर अमोघ अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर सका। नेत्र खोलो उपमन्यु। ओ भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उचित समय पर प्रकट होकर मेरी रक्षा करने हेतु आपको मेरा शत शत नमन प्रभु। उनके भक्त ने जिस अमोघ अस्त्र को उत्पन्न किया, उसको रोकने हेतु भगवान ने उसे
स्वयं अपने में ही समाहित कर लिया। बालक, एक और तो तुम्हारे तप की ऊर्जा समस्त देवताओं को कष्ट पहुंचा रही है, और दूसरी ओर तुम इतने विनाशक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो जिनसे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये उचित नहीं। किंतु मैं देवराज इंद्र तुम्हें एक चेतावनी देने के साथ मेरी आराधना करने का एक और अवसर प्रदान करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मैं तुम पर अपनी दया की कृपा अवश्य करूंगा। देवराज इंद्र, मैं आपके प्रति अव्यवहारिक कर्म करने का इच्छुक नहीं हूँ, किंतु आज कोई भी देवता मुझे मेरे प्रभु की तपस्या करने से, मुझे मेरे तप के पद से और तप स्थल से दूर करने में सफल नहीं हो सकता। मैं अवश्य अपने प्रभु महादेव की तपस्या संपन्न कर उनके हाथों से दूध पान करने का दिव्य सुख अवश्य प्राप्त करूँगा। ये और कुछ नहीं, तुम्हारी उद्दंडता है, जिसका फल वरदान नहीं मात्र मात्र भीषण दंड है। अर्थात अब तो भक्त और भगवान ही एक दूसरे के सम्मुख थे। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु का क्रोध जागृत हो रहा था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बालक उपमन्यु अपने तप के परिणाम स्वरूप किसी वरदान का नहीं अपितु महादंड का भागी बनने वाला था। लंकेश, भक्त उपमन्यु ने भेड़ियों से घिर जाने पर भय का उत्तर अपनी भक्ति से दिया और माता कामधेनु के द्वारा परीक्षा रूपी प्रलोभन का उत्तर श्रद्धा और निष्ठा से दिया। चंद्रदेव के द्वारा उनके ध्यान भटकाने के प्रयास का सामना उन्होंने अपने निश्चय की दृढ़ता से किया और नंदी जी के बाहुबल को अपने तपोबल से निरस्त किया। इन सभी परीक्षाओं में क्षण भर के लिए भी अपनी तपस्या से डिगे बिना उन्होंने निरंतर प्रभु के नाम का जाप कर सफलता प्राप्त की। तो फिर उन्हें वरदान के स्थान पर दंड क्यों प्राप्त होने वाला था? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो एकमात्र मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के पास ही था, क्योंकि मेरे प्रभु इंद्रदेव का रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए थे। तो तुम क्या अपना दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो बालक? मुझे किसी दंड के लिए तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे। बालक, तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी भूल है, क्योंकि जगत पिता प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे जैसे नन्हे बालक पर अपना समय कदापि व्यर्थ नहीं करेंगे। नहीं देवराज, भूल तो कदाचित आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि प्रभु शिव भोलेनाथ के पास तो अपने भक्तों के लिए अथाह समय है, और जो भक्त उनके प्रति सत्य निष्ठा रखते हैं वो उनकी गुहार अवश्य सुनते हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य यहाँ प्रकट होकर मुझे दूध पान कराएंगे। कदाचित तुमने भोलेनाथ को कुछ अधिक ही भोला समझ लिया है बालक, और अब तुम उनके भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हो। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनसे कोई महान वरदान प्राप्त करने की लालसा है तुम्हें? देवराज, मैं उनसे कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं आया हूँ, मेरा तब तो मात्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। और जहाँ तक दूध पान का प्रश्न है, इतना तो एक पुत्र अपने पिता से अवश्य मांग सकता है। और फिर प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ तो जगत पिता है, फिर उनसे कुछ मांगने में भला कैसा संकोच। इतनी छोटी आयु में कितना अद्भुत विवेक है बालक उपमन्यु का। प्रभु के प्रति इस बालक की भक्ति देखकर तो मैं भी धन्य हो गया। तो अब प्रभु इस बालक की परीक्षा कैसे लेंगे? कदाचित इतनी सहजता से तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे, तो उचित है
अब तुम्हें दुख नहीं मात्र दंड की प्राप्ति होगी। तरंगों का ऐसा भयावह प्रहार है ये। प्रभाव है किंतु मैं इनसे भी प्रभावित नहीं होऊंगा। इन विद्युत तरंगों के भयंकर प्रभाव से भयभीत होकर मैं अपनी तपस्या कदापि भंग नहीं करूंगा। प्रभु शिव शंकर महादेव अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव एक नन्हे बालक की। ओम नमः शिवाय। मात्र दूध के एक पात्र के लिए घोर तपस्या कर इतनी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की बालक उपमन्यु ने, फिर भी प्रभु महादेव की कृपा के स्थान पर उसे उसकी भक्ति और तप का ऐसा विपरीत फल क्यों प्राप्त हो रहा है स्वामी? ये तो महादेव की लीला है देवी, जिसका रहस्य स्वयं भोलेनाथ को ही ज्ञात है। ओम नमः शिवाय। कदाचित अब तुम्हें अपने विनाश के आगमन का स्पष्ट संकेत दिखाई दे गया होगा बालक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी भी समय है पुत्र, पुत्र अपना हट त्याग दो और मेरे स्वामी के साथ उनके संयोगी और वाहन महान गज एरावत से क्षमा याचना कर लो, तो संभव है पुत्र कि वो तुम्हें दंडित करने के स्थान पर तुम्हें पर्याप्त दुख प्रदान कर यहाँ से लौटने की अनुमति प्रदान कर दें। हे माता, आपके नेत्रों से मेरे प्रति मेरी माँ के समान ही करुणा झलक रही है। आप मेरे लिए अत्यंत चिंतित हैं, किंतु माता उसका तो कोई कारण नहीं, मुझे तो तनिक भी क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ स्वयं मेरे सहायक बनेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। धनी है तुम्हारी भक्ति और निष्ठा प्रभु के प्रति उपमन्यु, तुम्हारे नन्हे हृदय में तो जैसे भक्ति का सागर ही समाहित है। किंतु प्रभु तो कदाचित अभी इस बालक की और प्रतीक्षा लेने के इच्छुक हैं।
प्रति, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर। इस बाल तपस्वी उपमन्यु ने प्रभु महादेव के इस रूप को कितना अद्भुत नाम दिया है। अब जब इस नन्हे बालक ने महादेव को एक नवीन नाम से पुकारा है, तो क्या महादेव प्रसन्न होकर इस नन्हे भक्त को इसका मनोवांछित वरदान देंगे? प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी आपके वाहन महान गुरु जयरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो अंततः इस बालक ने अपने जीवन पर छाए महासंकट से भयभीत होकर अपने घुटने टेक ही दिए। यदि क्षमा याचना करने हेतु ये बाल तपस्वी उपमन्यु अपनी तपस्या से पीछे हट गया, तो समस्त परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत भी अपनी इस अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएगा और प्रभु से मात्र दुख का एक पात्र प्राप्त करने के लिए इसका संपूर्ण तप व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी आपके वाहन महान गुरु जयरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु आप अपने विद्युत तरंगों के प्रहारों से जो विचलित देखकर ये मत समझ लीजिएगा देवराज कि मैं अपनी तपस्या को अधूरा छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना अवश्य करूंगा मैं, किंतु अपने मार्ग से कदापि नहीं हटूंगा। फिर भले ही आप मुझे अपने प्रहारों से भस्म ही क्यों ना कर दे। इस बालक का साहस अत्यंत सराहनीय है। मुझे चिंता है कि बालक उपमन्यु के इन वचनों से कहीं महादेव क्रोधित न हो जाए। बहुत चेतावनियां दे चुका हूँ मैं तुम्हें बालक, ये अब मेरा अंतिम प्रहार होगा जो कदापि अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगा। परिणाम जो भी हो, मैं तो प्रभु की तपस्या में ही लीन रहूंगा। मुझे ज्ञात है स्वामी बालक उपमन्यु की परीक्षा ही ले रहे हैं, किंतु फिर भी इसका कष्ट मुझसे सहन क्यों नहीं हो रहा है? क्या बालक उपमन्यु की ये परीक्षा उसके लिए अत्यधिक कठोर तो प्रमाणित नहीं होगी? मुझे आशा है कि महादेव के द्वारा ये इस बालक की अंतिम परीक्षा होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवराज की ये विद्युत शक्ति प्रभु भोलेनाथ के शिवलिंग पर प्रहार करने जा रही है, किंतु ये कैसे संभव है?
अपनी शक्ति से कोई प्रभु के शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का प्रयास कैसे कर सकता है? इन्होंने तो प्रभु के शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु देवराज इंद्र का वज्र प्रहार इतना घातक और शक्तिशाली है कि वो जिस किसी से भी टकरा रहा वो नष्ट हो जा रहा है। प्रभु के शिवलिंग को मैं कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। आपको कुछ नहीं होने दूंगा प्रभु, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। ओम नमः शिवाय। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ एक भक्त अपने प्राणों को पूर्ण रूप से अपने भगवान को समर्पित कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, उठो पुत्र। ये विद्युत तरंगे अब अपने मूल स्थान से लुप्त हो गई है, अर्थात मेरे प्रभु की शिवलिंग अब सर्वथा सुरक्षित है। अब तुम्हारी तपस्या और परीक्षा संपन्न हुई, उठो और देखो कौन है तुम्हारे समक्ष। देखो वत्स, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष। आप तो क्या आप ही मेरे प्रभु शिवशंकर महादेव हैं? हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा प्रभु शिव हूँ। वो शिव जो ऐसी अद्भुत भक्त को पाकर धन्य है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ही मेरे प्रभु हैं, क्योंकि मेरे माँ के वर्णन के अनुसार तो महादेव त्रिशूल धारण करते हैं, उनके साथ सदा नंदी जी उपस्थित रहते हैं, किंतु आपके साथ तो ये महान गज ऐरावत और माता सची हैं। इसलिए आप तो सुरेश्वर अर्थात देवराज इंद्र ही है। अवश्य आप मुझे प्रसन्न कर मेरी तपस्या रोकने हेतु ही स्वयं को प्रभु शिव पुकार रहे हैं। देखा स्वामी, कितना भोला है ना प्रभु का ये भक्त। इस नन्हे भक्त की अत्यंत कठोर परीक्षा ली थी भोलेनाथ ने, अब कहीं ये बालक ही उनकी परीक्षा न लेने लगे। माँ ने मेरे प्रभु शिव शंकर का वर्णन किया था मुझसे, नागराज वासुकी उनके कंठ के आभूषण है, अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, उनकी जटाएं रुद्राक्ष माला से बंधी है, और जिन्होंने स्वयं चंद्रमा को अपनी शीश पर धारण किया है वही है मेरे प्रभु जगत पिता महादेव। उनके साथ सदा माँ पार्वती रहती हैं,
जो शक्ति स्वरूपा भी है और सौम्यता की प्रतीक भी। नंदी जी जो उनके वाहन है सदा मेरे महादेव के साथ ही रहते और गण भी उनके सहयोगी के रूप में मेरे प्रभु महादेव के साथ ही रहते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका क्योंकि मैंने इसके पूर्व आपको शिवलिंग स्वरूप में ही देखा था ना। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ पुत्र, और तुम्हारे द्वारा मेरे स्वरूप को दिए गए नाम सुरेश्वर से भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। आज से मेरा अवतार सुरेश्वर नाम से विख्यात होगा। आज से मेरा अवतार घटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र उपमन्यु, तुम अपनी समस्त परीक्षाओं में सफल हुए हो और तुमने संसार के समक्ष इसका उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, किंतु यदि कोई इस मार्ग की बाधाओं अर्थात प्रलोभन, ध्यान के भटकाव के उपाय, बल के प्रभाव और संकट के आभास आदि पर विजय पाकर अपने मार्ग पर स्थिरता से अडिग रहता है तो अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है, फिर भले ही उसका लक्ष्य स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। तुमने मुझे पिता के स्थान पर रखकर मात्र दुग्ध पान करने के लिए मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और मैं तुम्हें दुग्ध का सागर प्रदान करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि।
कितना अद्भुत है ये दृश्य। आज से तुम इस शीर सागर के स्वामी पुत्र मान्य हो, और आज से असंख्य गौ माता तुम्हारे संग रहेंगी। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक निष्ठा भक्ति से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि इस जन्म के पुण्यों का फल इसी जन्म में ही पाया जा सकता है। तुम्हारे जैसे बालक की माता कहलाने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी पुत्र, और मेरा आशीर्वाद है कि श्रेष्ठम ऋषि मुनियों में सदैव तुम्हारी गणना होगी। और साथ ही आज से मैं तुम्हें अक्षय कुमार पद भी प्रदान करती हूँ। भक्त उपमन्यु, तुम सदैव पूर्ण निष्ठा से भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे। यदि किसी ने तुम्हारे समान धर्म पथ पर अडिग रहकर मेरे प्रभु महादेव की पूजा की, तो मैं उसे सभी बाधाओं से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। प्रभु, माता, नंदी जी, आप सभी ने अपनी कृपा स्वरूप जो कुछ भी मुझे प्रदान किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसलिए मुझे वो फल प्राप्त नहीं हुआ जिसकी मैंने कामना की थी। नहीं पुत्र, तुम्हारे तो अपने कोई अपूर्णता नहीं रही, इसलिए तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से दुग्धपान कराऊंगा। गोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरे, जाले या जल वंश पावन करे काशी पुराणेश्वरे, दीक्षां देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरे, नानारत्न विचित्र भूषण करे हेमांबराडंबरे, ताहार विलंब मान विलस कक्षोज कुंभेश्वरे, पूर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। प्रभु महादेव, भूतनादम्
भागं जगन्नाथ रातं सदानंद भागं भवत् भव्य भूतेश्वरं भूतनादं उपमन्यु को अंततः वो प्राप्त हो ही गया जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। और उसके उपरांत बालक उपमन्यु अपनी माँ के निकट लौट गए, जो उन्हें सर्वत्र ढूंढ रही थी। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनका गृह जीवन के लिए अनिवार्य सभी प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए तो कहा गया है कि जिस भक्त की भक्ति में कोई रिक्तता नहीं होती, वो भक्त कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रिक्तता सहने पर विवश नहीं होता। और यही प्रभु सुरेश्वर अवतार की कथा संपन्न होती है। गौरी पुत्र, प्रभु सुरेश्वर अवतार के माध्यम से महादेव ने मानव कल्याण के लिए सुख और समृद्धि प्राप्त करने का नवीन जीवन सूत्र स्थापित किया। इसलिए लंकेश, इस बात का सभी को सदा स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, किंतु अपने लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो कठिनाइयों के समक्ष कभी पराजय स्वीकार ना करे। चलिए लंकेश, अब हम प्रभु के सुरेश्वर अवतार की स्तुति करते हैं। हाँ गौरी पुत्र, मुझे भी अपनी पूजा संपन्न करनी है। आप अपनी पूजा प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति के उपरांत पूर्ण कर लीजिएगा लंकेश। प्रभु सुरेश्वर को स्वयं से रुष्ट होने का कोई कारण नहीं देना चाहिए मुझे। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हुए उपमन्यु जब तो मारने उनको चले तब भक्ति देख शिवजी अपने वास्तविक रूप में मिले क्षीर सागर और परम भक्ति का पद दे दिया सुरेश्वर पन के प्रेम भावना को प्रदर्शित किया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्या हुआ लंकेश, प्रभु ने हमें अपने दिव्य दर्शन का लाभ क्यों नहीं प्रदान किया? कदाचित आपकी स्तुति में कोई अपूर्णता रह गई होगी गौरी पुत्र। यदि ऐसा है तो हमें पुनः प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति करनी चाहिए। नहीं नहीं गौरी पुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने भले ही हमें प्रत्यक्ष दर्शन ना प्रदान किए हों, किंतु यहाँ के वातावरण में आए परिवर्तन तो इसका प्रमाण है गौरी पुत्र कि आपकी स्तुति उन तक पहुँच गई है और उन्होंने उसके परिणाम स्वरूप हमें आशीर्वाद भी दिया है।
अब मैं 108 बार बेलपत्र से प्रभु का अभिषेक करने जा रहा हूँ गौरी पुत्र, जिसे समाप्त करने के पश्चात मैं आपको प्रभु के अगले अवतार की कथा सुनाना आरंभ करूंगा। मैंने तो पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति की थी, फिर उन्होंने हमें दिव्य दर्शन प्रदान क्यों नहीं किए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या प्रभु सुरेश्वर मुझे कोई संकेत तो नहीं दे रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं प्रभु मुझसे कुपित तो नहीं? उन्हें प्रसन्न करने हेतु मुझे अपनी पूजा शीघ्र संपन्न करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु सुरेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। कल्याण हो। ये कैसी लीला है प्रभु आपकी? सर्वप्रथम आपने मुझे कष्ट दिया और आपने उसे हर भी लिया। बाधाओं के उत्पन्न होने पर भी तुमने एक निष्ठ रहकर अनुशासन से अपनी पूजा संपन्न की और तुम इसी प्रकार अपना अनुष्ठान नियमित रूप से कर रहे हो। तुम्हारे इसी अनुशासित अनुष्ठान के कारण मैं तुम्हें प्रभु महादेव के आत्मलिंग के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा हूं लंकेश। किंतु स्मरण रखना, जहां भी तुमसे अनुशासित अनुष्ठान करने में तनिक भी चूक हुई, तुम इस आत्मलिंग के साथ एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रणाम। क्या हुआ लंकेश, आप इतने आनंदित क्यों हैं? क्यों, आपने क्या देखा नहीं गौरी पुत्र? एक बार पुनः प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार ने मुझे अपना आशीष प्रदान किया। प्रभु ने आपको आशीष दिया? कैसे? उन्होंने कहा कि जब मैं अपना अनुष्ठान भंग करूंगा तभी आत्मलिंग को आगे ले जाने के अवसर से वंचित होऊंगा। अर्थात ऐसा कदापि नहीं होगा गौरी पुत्र, क्योंकि लंकेश रावण तो सदैव अनुशासित रहकर ही अनुष्ठान करता है। उचित कहा आपने,
अनुशासन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन से ही व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है और अनुशासनहीनता के कारण व्यक्ति स्वयं को प्राप्त धन एवं संपत्ति को भी गवां बैठता है। उचित कहा आपने गौरी पुत्र। अनुशासन की ये सीख और स्वयं को अनुशासित रखना मैंने प्रभु के ही एक अवतार से सीखा था, जो संसार में पुनः अनुशासन स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए थे। ये प्रभु के कौन से अवतार थे लंकेश? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा, वो भी प्रभु महादेव के अवतार है? हाँ गौरी पुत्र, और जब संसार में अनुशासन स्थापित होने की आवश्यकता उत्पन्न हुई तभी उनकी कथा भी आरंभ हुई। ये वो समय था जब सभी अनुशासन का महत्व भूलते जा रहे थे, यहाँ तक कि देवता भी स्वर्ग के भोग विलास में डूबकर अपना अनुशासन खो रहे थे, अहंकारी और प्रमादी होने लगे थे। और सत्य तो ये है कि संसार में कुछ ही स्थानों में अनुशासन स्थापित था। इसी समस्या के निदान के लिए जन्म हुआ महादेव के अवतार ऋषि दुर्वासा का। किंतु ऋषि दुर्वासा एक अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि माने जाते थे। उनका प्रचंड क्रोध तो जगत प्रसिद्ध था, और एक बार तो उन्हीं के क्रोध के कारण देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप भी मिल गया, जिसके पश्चात फिर इस समस्या के निदान हेतु देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। तो क्या लंकेश, ऋषि दुर्वासा के कारण ही विशाल समुद्र मंथन हुआ था? गौरीपुत्र, यही कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।